आपके सन का माउंट दबा हुआ है, यानी कि अंदर की तरफ बैठा हुआ है। सन के माउंट में लॉट्स ऑफ क्रॉस हैं और छोटी मोटी तिरछी रेखाएं हैं। क्या जो स्पष्ट सन की लाइन है और जो रेखाएं हैं वो हृदय रेखा से नीचे तक नहीं जा पा रही हैं? क्या दो से ज़्यादा रेखाओं की संख्या आपके सन के इस माउंट पर बन रही है? इसके अलावा सेकेंड, आपकी मस्तिष्क रेखा सीधे चलती हुई सीधे आपके चंद्र के पर्वत क्षेत्र की तरफ यानी नीचे की तरफ बढ़ती चली जा रही है और रास्ते में कई दफ़े टूटी हुई भी है। इसके अलावा आपके मार्स का और वीनस का ये दोनों माउंट एक समान भाव से काफ़ी उच्च का यहाँ पर बना हुआ है, यानी कि काफ़ी उभार लिए हुआ है। अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन है तो सच में मेरी मान लो, जितनी जल्दी हो सके शादी कर लो। अगर आपकी एज 18 एंड 21 जेंडर वाइज जो है वो पूरी कर चुके हैं तो, बिकॉज आपका करियर, आपकी लाइफ और आपका फ्यूचर तभी ब्राइट होगा ज़्यादा तेज़ी से और ज़्यादा सही से। नहीं तो आपके लिए स्ट्रगल आगे निश्चित तौर पर बढ़ने वाले हैं। रीज़न आपको हम रीज़न पे भी बात करेंगे और इसके जो लॉजिक्स है उसके बारे में भी बताएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सन के इस माउंट के, क्यों? बिकॉज सन आपके सक्सेस के लिए इनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आपके जीवन में किस तरीके से सफलता मिलेगी, कितनी सफलता मिलेगी, इसके बारे में सन के इस माउंट से आप जान सकते हैं। और अगर यहाँ पर ये दबा हुआ है तो निश्चित तौर पर आपके लिए परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं है, आपको काफ़ी ज़्यादा घिसना पड़ेगा चमकने के लिए। इसके अलावा यहाँ पर अगर आड़ी तिरछी रेखाएँ हैं, क्रॉस की सिचुएशन है, तो ये बार बार आपके जख्मों पर नमक छिड़कने का कार्य करेगी और जख्म देने का भी कार्य करेगी। तो ऐसी सिचुएशन में बंदी को शादी के लिए सोचना चाहिए, क्यों? अब कई सारे सवाल आ सकते हैं कि मानो चलो हम शादी के लिए हमने सोच लिया, लेकिन सामने वाले की भी ऐसी ही सिचुएशन होगी तो क्या होगा? अब सुनो, प्लस प्लस इक्वल टू क्या होता है? प्लस। माइनस माइनस इक्वल टू क्या होता है? प्लस। कोई दिक्कत नहीं है ना, आधा आधा मिल के एक बन जाएंगे, वैसे भी आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आपके, और मान लो उनकी अगर अच्छी हो गई ना सन की अमाउंट, तो फिर आपको सोचना नहीं पड़ेगा, साथ में आपको भी खींचे लेते चले जाएंगे आगे की तरफ, आपका भी फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा, लाइट आपकी भी जल जाएगी। तो उस सिचुएशन में आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। इसके अलावा नीचे की तरफ मान लो, तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके मस्तिष्क रेखा की। अगर किसी की मस्तिष्क रेखा नीचे की तरफ झुकती चली गई हो तो इसका क्या परिणाम आएगा? इसके दो तरीके के प्रभाव आपके जीवन पर पड़ते हैं। अगर आपका गुरु का माउंट काफ़ी वेल डेवलप्ड है और आपके केतु का माउंट बेहतर है, तो ऐसे में आप आध्यात्मिक की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन इन दोनों की स्थिति कमज़ोर हो या सामान्य हो और आपका मून माउंट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता चला गया हो और वीनस स्ट्रांग होता चला गया हो, ऐसे में क्या होगा? विपरीत लिंग के प्रति आपका आकर्षण बढ़ेगा और आपके दिमाग में 24 घंटे अगर चल रहा है तो उसमें 23 घंटे 59 मिनट सिर्फ ऐसी चीज़ें होंगी जो कि इंडिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंटल और आजकल के यूथ के लिए, लॉट्स ऑफ यूथ के लिए अगर देखेंगे तो सबसे बड़ी चीज़ है, और वो है बस लड़के लड़कियों की बातें और उनके बारे में सोचना, उनके बारे में जानना। नैतिक पतन स्पष्ट तौर पर पूरी दुनिया का हो रहा है और उसमें आपका सहयोग अतुलनीय है, और जब भी ऐसी स्थिति बनती है आपको आपकी किस्मत उसकी तरफ धकेलने का कार्य करती है। तो जब भी ऐसी स्थिति हो जाए बंदे को जो उसके स्वप्न है स्वप्न से उसको मिलवा देना चाहिए ताकि वस्तु स्थिति पता चल जाए कि क्या होता है। सच ही किसी ने कहा है कि दुनिया आज तक उससे आगे बढ़ी ही नहीं, यू नो वेल मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो जब भी ऐसी सिचुएशन बने आपके लिए मैरिज में जाना अच्छा होता है, क्योंकि इससे आपका, आपको सही रास्ते पर आने में आपको मदद मिलती है। इसके अलावा आपके मार्स का माउंट एंड वीनस का माउंट, इससे काफ़ी हद तक देखना चाहिए। देखो इसमें क्या है, अगर ये जब भी प्रबल होगी ना, यानी कि काफ़ी ऊंचा होगा आपका ये मार्स का माउंट भी और आपके वीनस का माउंट भी, तो ऐसी सिचुएशन में भी आपके अंदर उष्मा बढ़ाने का कार्य करता है, गर्मी बढ़ाने का कार्य करता है। आपका दिमाग जो है ना बार बार घूम फिर के बस वहीं पर जाएगा, उससे आगे पीछे कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है? आपके मन में हिंसा, हिंसक चीज़ें, लग्जरी लाइफ और जो क्या से कहते हो तुम लोग, आमोद प्रमोद और शराब शबाब कबाब, बस इन्हीं चीज़ों की तरफ ये आपको बढ़ाने का कार्य करेगा। कब? जब आपके मंगल की पूर्ण रेखा यहाँ पर उपस्थित ना हो, जब ये अत्यधिक प्रबल होती चले जाए। यहाँ पर कोई भी गुड साइन लाइक स्क्वायर, ट्राइडेंट, ट्रायंगल, फिश साइन वगैरह की कोई भी स्थिति हो, फिश केतु के मिला के अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन यहाँ पे ना हो तो फिर आपको संभालने वाला कोई नहीं होता। ये जो गुड साइन होते हैं ना, इसके बुरे प्रभावों को कम करते हैं जिस भी माउंट पे होते हैं, और उसके अच्छे प्रभावों को उभारने का कार्य करते हैं। जस्ट लाइक ए टीचर, अगर टीचर नहीं हो तो क्या होगा, बंदा क्लास में क्या होता है, यू नो वेल, भरपूर हल्ला करते हो, हंगामा मचा देते हो, मछली बाजार बना देते हो, बस वही हाल यहाँ पे वीनस और मंगल मिलके आपका करने वाला है। एक झूठी ताकत आपको दिखाएगा कि भैया तुम्हारे पास सब कुछ है, और ये आपसे वो करवाने की कोशिश करेगा और आप गलत रास्ते की तरफ बढ़ेंगे, आपके लिए सिचुएशन मुश्किल होती चली जाएगी, बिकॉज सन यहाँ पे आपका साथ नहीं दे रहा है। और जब ऐसी सिचुएशन होगी ना तो आपका सैटर्न भी यहाँ पर वीक होगा,
सिर्फ आपसे गलतियां करवाने की तरफ बढ़ेगा। ऐसे सिचुएशन में बंदा हो या बंदी, शादी कर लो, ठीक है, जो बुरे प्रभाव होंगे कम हो जाएंगे, जो अच्छे प्रभाव होंगे वो और निखरेंगे और जीवन में आगे की तरफ बढ़ोगे। और जितनी जल्दी शादी करोगे ना, संतान आपकी उतनी संस्कारी और उतनी बेहतर होगी, ठीक है। इसके भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं। और देखो, सारी चीज़ें बुरी नहीं होती हैं। जब भी दिमाग में ना 24 घंटे चीज़ें चलने लगे, इधर उधर की कहानियाँ चलने लगे, तो समझ लो कि बेड़ा गर्क है, ठीक है। वैसे सिचुएशन में अच्छा रहेगा कि और दूसरे गर्क वाले से मिल लो या अच्छे वाले से मिल लो, तो सही रास्ते पे आप चले जाएंगे, ठीक है। अकेले बंदा अकेला चना बाहर नहीं फोड़ता, दो मिल जाएंगे तो पता नहीं और क्या क्या फोड़ डालो। तो ऐसी सिचुएशन आपके लिए यहाँ पर बन जाएगी। चीज़ों को मजाक में मत लेना, बिकॉज मैं थोड़ा लाइट मोड में बता रहा हूँ इन चीज़ों को, लेकिन ये रियल फैक्ट्स हैं। और जो जो मैंने बताया है ना, वो चीज़ें अगर तुम्हारे पाम में है ना, तो तुम खुद देख सकते हो कि तुम्हारे लिए संघर्ष की क्या सिचुएशन है। जो कुछ भी करना चाहते हो उसमें तुम्हारे लिए कितनी मुश्किल होती है और कितने तुम्हें हर एक नए कदम पर परेशानियाँ तुम्हारे लिए मुंह उठाए खड़ी रहती है। तुम्हारा दिमाग कभी शांत नहीं रहता है, हमेशा मुश्किल में रहता है, हमेशा तुम्हारे सर पे गुस्सा चढ़ा ही रहता है, हमेशा तुम्हारे शरीर में जो कामुकता है ना, वो भरी पड़ी ही रहती है। आंखें तुम्हारी हमेशा जो है ना, वो एक खास प्रकार के ढूंढती ही रहती है, ठीक है। जय श्री राधे। गौर करना और मम्मी पापा से बात करियो, ना कर सको तो वीडियो शेयर कर दियो, समझ जाएंगे। मिलते हैं फिर। जय श्री राधे।